तो हेलो 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 गाइस, जय महादेव। दीपूनम चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए स्पेशल रेसिपी। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। तो बताते हैं क्या हम आज न्यू रेसिपी बनाए हैं। तो अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। तो क्या बना है, तो दूध जो है जला रहे हैं, तो ज़्यादा दूध होने के कारण गैस पे जलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमने जलाया चूल्हा। तो गांव घर में ये सब सुविधा जो बना हुआ रहता है गाइस, तो देख सकते हैं चूल्हा जला के दूध चढ़ाए हैं। इसको जो है पूरा धीरे धीरे ताव में जो है इसको जलाएंगे। जलाने में जो है बहुत समय लग जाता है, कम से कम 2-4 किलो अगर दूध है तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। और इसमें जो है कि चीनी मिक्स करके इसका जो है कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो आप लोग देखते जाइए हमारे चैनल हमारे वीडियो में, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। तो देख सकते हैं कभी कभी जो है कि चूल्हा का यूज होता है, नहीं तो ज़्यादातर गैस पर ही खाना बनता है। कभी कभी ढेर खाना या कुछ बनना है जन मजदूर की, तभी जो है कि चूल्हा जलाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारे आंगन में जो है कि चूल्हा है, तुलसी पिंडा है, सारा चीज़ है। तो यहाँ हम लोग बनाने के लिए बैठ चुके हैं। तो जलने में तो टाइम लगेगा गाइस। तो बनने के बाद मिठाई आप लोग को बड़ा ही टेस्टी लगने वाला है। तो देखते रहिए कैसा मिठाई बना है। मिठाई बनने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मिठाई बना है। तो देख सकते हैं दूध जल गया है। अब इसमें डाल चुके हैं चीनी। चीनी अब पिघलने वाला और उस जल के हो जाएगा कम। उसके बाद इसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं जल गया पूरा। तो जलने के बाद इसको जो है कि पूरा थाली में निकाल के इसको ठंडाएंगे। ठंडाने के बाद फिर मिठाई को बनाना तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं सारा थाली में निकालेंगे। तो ज़्यादा गर्म रहेगा तो बनाने में भी दिक्कत होगा, बनेगा भी नहीं अच्छा। तो थोड़ा ठंडाने देते हैं। ठंडाने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। अंदर आने के बाद स्थिर से इसको बैठ के धीरे धीरे अब बना रहे हैं। तो देख सकते हैं गर्म है बहुत गाइस। तो गर्म होने के कारण थोड़ा बन ही नहीं रहा है। धीरे धीरे इसको और ठंडाने देंगे तब फिर बनाएंगे। ज़्यादा गर्म होने के बाद जो कि हाथ पे लगने लगता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। तो देख सकते हैं हमारा पेड़ा बन के हो गया है तैयार। जो घर का पेड़ा होता है और बाहर का पेड़ा में बहुत अंतर होता है। घर का पेड़ा जो है बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होता है। बाहर का पेड़ा में तो मिक्स कुछ ना कुछ मिक्स दिया जाता है जो कि स्वाद अंतर हो जाता है। तो ये ओरिजिनल मिठाई घर का मिठाई हुआ, बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। आप लोग भी चख के बताइए कॉमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोग को गाइज। बाय बाय।